कार्बन साइकल फ कॉन्टेंट्स कार्बन साइकिल इन वाटर कार्बन साइकिल इन एटमोस्फीयर कार्बन लॉक्ड इन लाइम स्टोन एंड फॉसल फ्यूल्स एंड द ओवरऑल कार्बन साइकिल स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ बात करें तो जो हमने कार्बन साइकिल का मॉड्यूल नंबर वन है उसके अंदर हमने सिंपली देखा है कि कार्बन जो वो कहाँ कहाँ मौजूद है और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एयर के अंदर है वाटर के अंदर कार्बनिक फार्म में मौजूद है लाइम स्टोन की फार्म में कैप्चर है फॉसल फ्यूल्स की में यह हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो अब साइकिल जो है किस तरह से चलता है कि कार्बन जो है वो डिफरेंट पाथवे से कैसे होती हुई जो होती है एक साइकिल जो है वो वे को कंप्लीट करती है साइकिल को कंप्लीट करती है तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो कार्बन साइकिल इन वाटर है कि वाटर के अंदर जो है किस तरह से कार्बन साइकिल चलता है तो यहाँ अगर हम देखें वी विल स्टार्ट फ्राम रेजरवायर रेजरवायर में कार्बन कार्बन जो हिट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाईआक्साइड कार्बन डाईआक्साइड वाटर में जब आएगी तो ये वाटर सॉल्युबल है वाटर सॉल्युबल होगी तो इसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ से कार्बोनिक असर बनेगा एच टू सी ओ थ्री अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्वेटिक हमारे पास आठों टू हैं एल जी है स्पेसिफिकली तो ये एल जी को क्या है कि फोटोसेंस के लिए अवेलेबल है अब ये सिंपली जब वो फोटोसेंथिसाइज करेंगे तो कार्बन जो है कार्बन जो है वो फोटोसेंसिस के दौरान क्या हो जाएगी कि ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जब कम पड़ेगी तो ये कार्बोनों के सिर ब्रेक डाउन करेगा ये वापस दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसेंसिस में क्या होती रहेगी इनकॉर्पोरेट होती रहेगी एनिमल्स प्लांट्स के अंदर जब इस एल जी को या प्लांट मटेरियल को यूज़ करेंगी कारनी वोर्स अल्टीमेटली उनके बॉडी के अंदर जाओ चली जाएगी चाहे हर्बी वोर्स हैं कार्निवर्स तो हर, जैसे फोटोसेंसिस के लिए इसको हरबी वोर्स खाएंगे हर्बी वोर्स के बाद आगे इसको कार्निवोर्स खाएंगे तो ओवरऑल फिर क्या होगा ये जो कार्बन है ये इनके बॉडी के अंदर जो है इनके बायोमैस का हिस्सा बन जाएगी अब जब ये एनिमल रेस्पायर करेंगे ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ब्रीदिंग होगी और रेस्पायरेशन के दौरान क्या होगा वापस वही कार्बन दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इन्वायरमेंट में चली जाएगी तो इस तरह से ये हमारे पास एक जो इसका एक पाथवे जो वो वाटर का जो पाथवे जो वो कंप्लीट होता है अच्छा यहाँ एल जी भी रेस्पायर कर रहे हैं प्ला एनिमल्स भी तमाम रेस्पायर करता है जितनी भी रेस्परेशन का प्रोसेस है वो कार्बन को वापस उसके सिंक में वापस भेज जो इसका रेजर्वयरस में क्या कह रहा है उसको वापस भेज रहा है सम ऑफ दी कार्बन कुछ कार्बन जो है वो क्या होगी कि वो फिर डिपॉजिट होगी इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में डिपॉजिट होगी और वो इस साइकिल से अलग हो जाएगी दिस इज अ सिंपल ऑफ कार्बन साइकिल इन द वाटर सेकेंड वन कार्बन साइकिल इन एटमोसफियर एटमोसफेयर के अंदर कार्बन साइकिल कैसे चलेगा एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जो इन कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मौजूद है अब यहाँ से सबसे पहला स्टेप ये होगा कि फोटोसिंथेसिस होगी अब ये फोटोसिंथेसिस जो है कार्बन इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा प्लांट्स के अंदर प्लांट्स में एसिमिलेट होने के बाद कार्बन जो है इट विल कम इन टू द एनिमल्स एनिमल जब इसको यूटिलाइज करेंगे इनकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगी और इस, अगर इन एनिमल्स को अगर कार्निवोर्स खाएंगे तो ये कार्बन कार्न जो एनि कार्बन है उनके कार्निवर्स की बॉडी में चली जाएगी अब तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि हो रही है सेकेंड स्टेप के ऊपर कार्नीवोर्स यूज कर रहे हैं अब यहाँ रिवर्सल कैसे साइकिल कंप्लीट कैसे होगा वेन दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स दे विल रेस्पायर जब एनिमल और प्लांट रेस्पायर करेंगे तो रेस्परेशन के दौरान क्या होगा कि वापस जाओ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी इसके अलावा जब ये प्लांट्स और एनिमल इनकी डेथ होगी तो डेथ के बाद ये डिके भी करेंगे तो अगर इनकी डेथ होती है तो डेथ के बाद जब डिके करेंगे तो वापस अगेन कार्बन डाइऑक्साइड जब वो रिलीज़ हो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड फार्म में रिलीज़ होकर इन्वायरमेंट में चली जाएगी तो दिस इज द कार्बन साइकिल इन द एटमोसफियर द थर्ड वन अब हमारे पास जो है वो ये है कि कुछ कार्बन जो है इट इज़ लॉक्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन एंड फॉसिल फ्यूल्स लॉक्ड होने का मतलब है कि वो कार्बन साइकिल से वक्ती तौर पर वो कार्बन जो अलग हो जाती है अब वो किस फॉर्म में है यहाँ अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइक्साइड जो है वो वाटर बॉडीज के अंदर आई एनिमल्स ने यूज़ किया उसको फिर ये कुछ जो है एनिमल्स के अंदर कुछ शेल्स की फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन जो है वो इनकॉर्पोरेट होगी अब जब ये एनिमल्स की डेथ हुई तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसके डिपॉजिट नीचे जो है वो जमा हो गए सेडिमेंट्री रॉक्स में कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूज डिपॉजिट्स जो बन जाते हैं जो कम क्या नाम देते हैं लाइम स्टोन डिपॉजिट या इसके अलावा जो है वो डोलोमाइट डिपॉजिट वगैरह का नाम देते हैं यानी मार्बल या बाकी जो है वो लाइम स्टोन वगैरह जो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं अच्छा सेकेंड जो इंपॉर्टेंट जो है वो फॉसल फ्यूल्स हैं फॉसल फ्यूल्स ये कहते हैं कि जब कार्बोनी पीरियड था तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की क्या हो गई है डेथ हुई एंड देवर बरीड इन द पीट बॉक्स पीट बॉग बेसिकली कैसा है कहते हैं कि जिसमें ये बॉक्स के मतलब ये ये है कि ये ऐसा ये कि मडी इन्वायरमेंट है जिसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स क्या हो गए हैं बरी हो गए हैं और इसके ऊपर बहुत सी सेडिमेंटेशन आने से अब क्या हुआ कि जब ये डिपॉजिट्स की फार्म में भरी हो गए हैं ड्यूरिंग कार्बोनिंग पीरियड तो उसके बाद इनकी पार्शल डिकम्पोजिशन होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर कन्वर्टेड इन टू ऑयल एंड गैस अब ये कार्बन पहले प्लांट्स का हिस्सा था प्लांट्स और एनिमल जब बरी हो गए दफन हो गए जमीन के अंदर तो आस्था आस्ता इनकी डेड बॉडीज जो है कि इसमें कन्वर्ट हो गई हैं आयल एंड गैस में गैस में कन्वर्ट हो गई हैं अब ये आयल और गैस जो है जब आप इसको एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन बींग जब इसको एक्सप्लोर करेगा कोल जो है इसको एक्सप्लोर करेगा तो इस अल्टीमेटली क्या होगा कि आयल और जब कोल को हम यूटिलाइज़ करते हैं तो ये अगेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है और कार्बन दोबारा वापस अपने रेजरवायर में पहुंच जाती है इस तरह से ये हमारे पास जो वाटर एटमॉस्फेयर और इसके अंदर जो जो लाइमस्टोन या फॉसिल की फ्यूम में जो कार्बन लॉक होती है उसका एक साइकिल है तो द ओवरऑल साइकिल इज हेयर यहाँ हम देख सकते हैं कि ये साइकिल ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द एटमॉस्फेरिक साइकिल एंड दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द कार्बन विच इज लॉक्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन एंड द फॉसल फ्यूल्स